ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा, ठाकुर की बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रिव्यू करूंगा टीजर माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड। ये फिल्म आ रही है जल्दी ही, तो इस फिल्म का रिव्यू मैं कर रहा हूं, माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड। इसके राइटर डायरेक्टर है विजय यलाकांती, टीजी विश्व प्रसाद इस माँ काली फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और इस माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड इसके एक्टर्स हैं, इसमें जो काम करने वाले एक्टर्स हैं वो हैं राइमा सेन, अभिषेक सिंह, अनुराग हेल्दर। तो ये एक्टर्स और बहुत सारे एक्टर्स इस फिल्म में हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ये दिल दहलाने वाली, ये जो कहानी है अपने मातृभूमि की कहानी है, ये कहानी है भारतवर्ष की कहानी है, ये कहानी है अखंड भारत की कहानी है, माँ काली मातृभूमि की कहानी, द स्टोरी ऑफ मदरलैंड। क्या खतरनाक इतिहास रहा है हमारे इस भारत भू का, इस भारत माँ का। अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते होते जो बचा कुचा भारत रहा, उस पर भी बहुत आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके, उस पर राज्य करके, जिस तरह से हमारे देश की हालत की, वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। जो आक्रांता थे उन्होंने तो हमारे देश में जो करना था वो कर लिया, लेकिन इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने आपस में भाईचारा रखा नहीं। ये टीजर देखते वक्त मुझे ऐसे लगा कि भाई ये 1947 की कहानी है, जो बंगाल और पाकिस्तान जिससे बना उसकी कहानी है, और जिस ढंग से दो देश बने वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खतरनाक तरीके से बने। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस ढंग से ये टीजर बना है, रोंगटे खड़े होते हैं ये टीजर देखते वक्त, तो ऐसा लगता है कि किस ढंग से हमारे देश का सेपरेशन हुआ। टी जी विश्व प्रसाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है उनको मैं ठाकुर के बिंदास बोल से हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सर मानना पड़ेगा आपको, क्या टीजर है सर। और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं विजय यलाकांत जी, सर सैल्यूट करता हूं आपको, क्या जबरदस्त फिल्म लेके आए हैं आप। सच्ची कहता हूं ठाकुर के बिंदास बोल से बिंदास कहता हूं कि इस फिल्म की बहुत ही जरूरत थी, हमारे इस देश के जो नौजवान हैं, जो लोग इस देश में रहते हैं, उनको सच्चाई जानने के लिए ये फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आप ये फिल्म लेकर आ रहे हैं माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड। ठाकुर के बिंदास बोल से आपके पूरी टीम को मैं सल्यूट करता हूं। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म का टीजर। हमने 500 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है, क्या अब हम उन काफिरों की हुकूमत में रहेंगे? ना रहेगा हिंदुस्तान, ना रहेगा हिंदुस्तान। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को सत्ता सौंपने का ऐलान किया है। काफिर हिंदू लोग अखंड भारत का नापाक ख्वाब देख रहे हैं। जिन्ना साहब के फरमान पर मैं सूबाए बंगाल का प्रधानमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी आज डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के हुक्म से ये जमीन पाकिस्तान बनेगी। अल्लाह अकबर। और ये प्रताड़ना वो तब तक करते रहे जब तक सारे हिंदू लोग या तो मुसलमान बन जाएं या मर जाएं। तो कैसा लगा टीजर, है ना एकदम कड़क, एकदम जबरदस्त टीजर। कैसे हालात थे, किस तरह से हिंदुओं पर
अत्याचार डाए गए, किस तरह से हमारे मातृभूमि के जो भाई थे, जो मुसलमान जिस थे, उन पर भी जिन्होंने अत्याचार किया वो भी गलत रहा। एक साथ रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें हम सब न रहे भाई भाई, टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और बंगाल बनाकर। क्या जरूरत थी? जब ब्रिटिश यहां राज्य कर रहे थे तब हम एक साथ रह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि इसके टुकड़े करने पड़े? क्यों मांगने पड़े अलग देश? क्या जरूरत थी? इन सभी प्रश्नों के, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में आपको जरूर मिलेंगे, माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड। टीजी विश्व प्रसाद जी, क्या बताऊं आपको, आपने खतरनाक फिल्म बनाई है, खतरनाक फिल्म का सब्जेक्ट लेके आप आए हैं। राइटर विजय यलाकांती जी, आपको प्रणाम प्रणाम। ऐसे ही सच्ची कहानियां हमारे देश के आज के नौजवान को, आज के पीढ़ी को पता चलना बहुत ही जरूरत है। ये जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के फिल्म प्रेमी जो हैं, जो लोग हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उन सभी को आह्वान करता हूं ठाकुर के बिंदास बोल से, जब ये फिल्म रिलीज होगी हाउसफुल के बोर्ड्स लगने चाहिए, जब ये फिल्म रिलीज होगी रिकॉर्ड्स ब्रेक होने चाहिए, जब ये फिल्म रिलीज होगी सच्चाई जानने की हिम्मत रखकर ये फिल्म देखिए और नमन कीजिए अपने अखंड हिंदुस्तान को, अपने माँ काली को। अगला टीजर रिव्यू लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।